एक बार एक बुजुर्ग इंसान अपने बेटे को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। ट्रेन में बैठे होते हैं। आप इमेजिन करिए कि बर्थ के सामने वाली सीट पे एक लड़का बैठा है करीबन 24-25 साल का, उसके फादर उसके साथ, और सामने एक कपल बैठा है जो अगेन 40-45 साल के हैं। अब जो जो 24 साल का लड़का होता है वो बाहर देखता है, वो कहता है, पापा देखो वो पेड़, पापा देखो वो पक्षी उड़ रहे हैं, पापा देखो आसमान कितना सुंदर है, बाहर घास है, ये है वो है। वो हर चीज़ को देखकर एक एक्साइटेड होकर वापस मुड़ के अपने फादर को बता रहा होता है। ये देखते हुए कि 24 साल का बच्चा, 24 साल का लड़का ऐसी चीज़ों को देखकर इतना एक्साइटेड हो रहा है, वो कपल जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि अरे इसको क्या क्या दिक्कत है, हर चीज़ को देख कर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो कहते हैं उसके फादर से कि हमें लगता है आपके बेटे के साथ कोई तकलीफ है, आप उसको डॉक्टर के पास क्यों लेके जाते। द फादर रिस्पॉन्ड, वो कहते हैं कि मैं इसको डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। आज से पहले इसकी आंखें नहीं थी, कभी दुनिया को देख नहीं पाया, आज पहली बार है ये देख पा रहा है कि दुनिया में क्या क्या है और कितना सुंदर है। ये सुनते ही वो कपल बिल्कुल शांत होके पीछे होके बैठ जाते। आज की इस छोटी सी वीडियो में 3 रिमार्केबल लेसन मिलते हैं और लेसन आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑलवेज, इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट। एंड जो 3 लेसन है इनमें से बताइए कॉमेंट्स में डाल के कि 1, 2 या 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल कौन सा है। पहला लेसन, नेवर जज अ पर्सन फ्रॉम हाउ इट लुक्स ऑन द आउटसाइड, नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। उसको आप सिर्फ ये बाहर से देख के नहीं कह सकते कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या सिचुएशन है, कैसा है वो, क्या है क्या नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। और आपको उसको जज करने से पहले, उसको कमेंट करने से पहले 2 मिनट सोचना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले। द सेकेंड लेसन, बी काइंड टू एवरीवन। काइंड होना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, काइंड होना बहुत ही आसान है। और काइंड होने के लिए हमें कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई एफर्ट भी नहीं लगता, हमें बस दूसरे जने को उतना ही इंपॉर्टेंस देनी जितनी हम खुद को देते हैं। तीसरा और फाइनल लेसन, आई हैव सम स्कार्स एंड यू हैव देम टू। आपकी भी कुछ कहानी है और मेरी भी कुछ कहानियाँ हैं। मैं ना आपकी कहानी को जज करूँगा ना आप मेरी कहानी को जज करें। इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि ये 3 लेसन आप सुने। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, एक वाइट बोर्ड की जरूरत है, बट आई वॉन्टेड यू टू हेयर दीज स्टोरीज। जो 3 लेसन है इनमें से बताइए कॉमेंट्स में डाल के कि 1, 2 या 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल कौन सा है।